अरब वर्ल्ड में भारत का डंका बज रहा है क्योंकि भारत विश्व शांति का संदेश भी देता है। विश्व शांति जो शायद रूस यूक्रेन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। देखिए आज ही यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन की सेना की ओर से दावा किया गया है कि उसने ब्लैक सी में रूस के एक वॉरशिप को मार गिराया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक उन्होंने रूस के लैंडिंग वॉरशिप सीजर कुनिकोव को ब्लैक सी में तबाह कर दिया है। इसके लिए यूक्रेन ने 3 USV ड्रोन का इस्तेमाल किया और बताया जा रहा है कि रूस का ये युद्धपोत क्रीमिया के अलुपका में तैनात था। इस पर अब तक रूस की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारी है कि क्रेमलिन में पुतिन ने इसके बाद आपात बैठक बुलाई। खबर यह भी है कि रूस युद्धपोत के क्रू मेंबर्स को बचाने का मिशन शुरू कर चुका है। रूसी नेवी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम बात करते हैं हमारे सहयोगी मनीष झा से। मनीष, क्या डिटेल्स अभी इस हमले को लेकर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत है, वहीं रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने भले ही इसके लिए औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन निश्चित तौर पर यूक्रेन की एक और बड़ी कामयाबी है। खास करके देखिए, ये बड़ा ताज्जुब होता है कि यूक्रेन, जिसके पास टेक्निकली कोई नेवी नहीं है, लेकिन बीते 2 साल में उसने अब तक छोटे बड़े करीब 25 रूस के वॉरशिप को उसने डिस्ट्रॉय किया है। और उसमें अगर आप देखें तो बड़े साइज के, जिस साइज का ये सीजर कुनिकोव है, एक लैंडिंग वॉरशिप है, 87 नेवी पर्सनल इसमें रहते थे, और इसमें यहाँ इस वॉरशिप के जरिए आप टैंक को या फिर क्रूज मिसाइल को, इन सब को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे। उस वॉरशिप को डुबा दिया गया है, ये यूक्रेन मिलिट्री का दावा है। और बीते 2 साल के अंदर इस तरह के 10 बड़े वॉरशिप को अब तक यूक्रेन ने डुबा दिया है या नष्ट कर दिया है, जिसमें मस्कोवा था या फिर जो दूसरे और वॉरशिप है उनको डुबाने में कामयाबी मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूसी नेवी का जो ब्लैक सी फ्लीट है उसका 1/3 अब तक डिस्ट्रॉय कर चुका है यूक्रेन। और इस मामले में देखें तो यूक्रेन ने काफी नुकसान तो ये यूक्रेन की बहुत बड़ी कामयाबी है एक तरह से समझे हम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए।